मोदी की गारंटी ने धूम मचा दी। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। मोदी की गारंटी ने जीत दिला दी। गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी। मोदी की गारंटी ने दम दिखा दिया। मोदी जी की गारंटी पे छत्तीसगढ़ की जनता ने मुहर लगाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मोदी का जादू चल गया, कांग्रेस की गारंटी पर मोदी की गारंटी भारी पड़ गई है। मध्य प्रदेश प्रचंड जीत, राजस्थान में भी अच्छी जीत, छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को सत्ता थमा दी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी हुई तो राजस्थान छत्तीसगढ़ को बीजेपी ने कांग्रेस से छीन लिया। हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में ये जीत मोदी के दम, विपक्ष के बेदम होने की गारंटी का संकेत है। तो क्या 3 राज्यों में बीजेपी की जीत 2024 में एक बार फिर से मोदी राज की वापसी की गारंटी का संकेत है? आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। आपको पहली अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि आज की ये जीत, चाहे मध्य प्रदेश की प्रचंड जीत हो, राजस्थान में क्लियर मैंडेट हो, 101 पर सरकार बनती है, 116 पा लिया, और देखिए फासला कांग्रेस पार्टी से जो कि 68 पे सिमट गई। अशोक गहलोत का जादू पूरी तरह से बिफर गया, जादू की छड़ी टूट गई समझिए। छत्तीसगढ़ में वहीं बघेल पर महादेव ऐप स्कैम भारी पड़ता दिख रहा है, जहां पर 55 सीटों की जीत के साथ ही एक नई इबारत लिख दी है बीजेपी ने। मोदी के दम पर इन 3 राज्यों में कमल को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी थी, और इसीलिए नरेंद्र मोदी की यह बड़ी जीत 2024 के पहले क्या राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा संकेत नहीं है? वही तेलंगाना में जरूर सरकार कांग्रेस पार्टी की बन रही है और केसीआर हवा में उड़ गए हैं सत्ता विरोधी लहर में। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। एमपी के मन में मोदी ये इस चुनाव ने सिद्ध किया है, उनकी गारंटी पर लोग भरोसा रखते हैं। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया। मध्य प्रदेश में मोदी की गारंटी का जादू चल निकला। शिवराज सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर दूर दूर तक नहीं दिखी और बीजेपी की वापसी हो गई। देखिए, अगर आप विनम्रता के साथ जनता की सेवा प्रमाणिकता के साथ करते हैं तो लोग आपसे प्यार करते हैं। ये जनता का प्यार है। लेकिन मैं कहता हूं कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो जन जन के मन में है, एमपी के मन में मोदी ये इस चुनाव ने सिद्ध किया है, उनकी गारंटी पर लोग भरोसा रखते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस की गारंटियां पस्त हो गई, बीजेपी सत्ता की ओर बढ़ चली। बीजेपी के घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी, मोदी जी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है। जिन घोषणाओं को छत्तीसगढ़ ने तय किया, वो चाहे किसानों के लिए 3100 रुपया की धान की खरीदी का हो, महिलाओं को 12000 रुपया देने की बात हो, या फिर 2 साल के बोनस देने की बात हो और अन्य विकास के कामों की, मोदी जी की गारंटी पे छत्तीसगढ़ की जनता ने मुहर लगाया है। और जो मेहनत मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने यहाँ पे किया है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता ने उनकी बात पे और उनके वादे पे भरोसा किया। राजस्थान में भी कांग्रेस पस्त, गहलोत सरकार सत्ता से बाहर, जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया और बीजेपी को जीत दिला दी। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की जीत का संदेश सिर्फ एक है, देश में सिर्फ एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों राज्यों में जबरदस्त मेहनत की, ताबड़तोड़ रैलियां। चुनाव प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की 16 रैलियां हुई, 2 रोड शोज हुए। राजस्थान में पीएम मोदी ने 14 रैलियां की और 2 रोड शो किए। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने 7 रैलियां की। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों को गारंटी का नाम दिया। जवाब में सीएम चेहरे के बिना चुनाव में उतरी बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री ने लोगों को मोदी की गारंटी दी, चाहे वो गारंटी भ्रष्टाचार से लड़ने की हो, या फिर महिला सुरक्षा की हो, या फिर गरीबी हटाने की, और उन गारंटियों को पूरा करने का भरोसा दिलाया। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम यानी विधानसभा से लेकर लोकसभा तक महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, प्रतिनिधित्व बढ़े, ये मोदी की गारंटी। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटाले बाज पर कार्रवाई की गारंटी। तीनों राज्यों की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया और सत्ता बीजेपी को थमा दी। जनता को मोदी जी पर विश्वास है और ये विश्वास और बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जो मध्य प्रदेश और केंद्र की देख के अन्य राज्यों में भी इसका प्रभाव नजर आया। जनता को लगा कि जो डिलीवरी है वो सुनिश्चित है, जो गारंटी है वो पूरी होती है, केवल कांग्रेस की तरह झूठे वायदे करके मुकरने का काम नहीं होता। हिंदी बेल्ट के तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत ने 2024 के लिए मोदी को और मजबूत कर दिया है। अगर 2023 और 2024 का सेमीफाइनल इसे माना जाए तो फाइनल के नतीजों का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। हम सब कार्यकर्ता हर प्रदेश में किसी न किसी संगठन के निर्देश के अनुसार अपना योगदान देते हैं। निश्चित रूप से आज की इस ऐतिहासिक जीत के बाद कुछ लोग इस गलतफहमी में होंगे कि हम 2024 की ओर जब बढ़ चल रहे हैं तो उतनी ही शायद व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए नहीं चलेंगे। तीन राज्यों में नतीजों से पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी और मजबूत हुई है, तो बीजेपी को मात देने का ख्वाब देख रहे इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस पर लाठी भांजना शुरू कर दिया है। कांग्रेस को चौतरफा घेरने की कोशिश हो रही है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हार है। उन्होंने गठबंधन के किसी भी घटक दल से न संपर्क किया, न सहयोग माना। वो अपने बलबूते पर बीजेपी को हराने की योजना बना रहे थे, जो एक दुःस्वप्न था। कांग्रेस वो सेल्फ क्रिटिसिज्म करना चाहिए, उसका जो गलत तरीका है, गलत नीतियों है, वो संभाल लेना चाहिए, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत ने ये साबित कर दिया है कि ना तो मोदी की लहर कम हुई है और ना ही मोदी पर लोगों का भरोसा कम हुआ है। आज तक ब्यूरो। आपको बता दें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं, संजय निरुपम राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, वारिस पठान प्रवक्ता AIMIM के जुड़ गए हैं, आर श्रीधर रेड्डी प्रवक्ता BRS के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ मौजूद है, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। एक तो हमारे साथ एक्सेस माय इंडिया के MD प्रदीप गुप्ता जी, जिन्होंने होम ग्राउंड पर जबरदस्त बैटिंग की है, थोड़ा सा लड़खड़ाए हैं ससुराल वाली बैकग्राउंड मतलब पिच पर, यानी छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, लेकिन तेलंगाना में भी वो लगभग सटीक साबित हुए हैं।
और बेहद खास मेहमान चेतन भगत आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने लेखक भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी आगे की तस्वीर वो हमारे लिए साफ करते हुए नजर आएंगे। गौरव भाटिया जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत आपके साथ करते हुए संजय जी, ये जनादेश एक बहुत बड़ा आईना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस तरह के हमले बीते दिनों किए गए हैं, अब शब्दों के पत्थर उछाले गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जनता उनकी सबसे बड़ी आंख बनकर आपके सामने खड़ी हो गई है। मुझे पता है पीएम की प्रशंसा को लेकर आप लोग कहेंगे कि एक एक मत कीजिए, लेकिन राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट, नंबर टू पर मध्य प्रदेश, और ऐसे राज्यों में अगर ऐसी प्रचंड जीत विदाउट सीएम कैंडिडेट बीजेपी को उम्मीदवार बनाकर पीएम लाते हैं तो प्रशंसा करनी होगी, जैसी प्रशंसा हम कर रहे हैं कि तेलंगाना में आपने केसीआर को उखाड़ फेंका। संजय जी बिल्कुल, आज जब तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा होगी और होनी चाहिए और आप अवश्य करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकदम फ्रंट फुट पे सबसे आगे बढ़ करके पार्टी का प्रचार करते हैं, पूरे प्रचार की जिम्मेदारी अपने सर पे लेते हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, वो खुद भी बोले कि मोदी की गारंटी है, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी की भी आप तारीफ करेंगे। लेकिन इतना याद रखिएगा, जो राजनीति की जमीन होती है ना, वो बड़ी खुरदुरी होती है, बड़ा उबड़ खाबड़ सा होता है, तो यहाँ पर उतार चढ़ाव हार जीत लगी रहती है। तो ठीक है, ये चुनाव हम हार गए हैं और जनता के इस फैसला को, चूंकि एक जनतांत्रिक परंपरा है, इस परंपरा में जनता के इस फैसले को हम स्वीकार करते हैं, हम मान्य करते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि चुनाव प्रचार के दरमियान एक तरफा कोई किसी के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे थे, दोनों तरफ से लगाए गए। क्या प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी जी के बारे में जो बातें कही, क्या वो स्वीकार्य है सबको? मुझे नहीं लगता है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने या फिर बीजेपी ने, सभी ने एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार की बातें कही जो थोड़ा सा आपत्तिजनक सबको लग सकता है। और जब चुनाव प्रचार होता है तो इस प्रकार की टीका टिप्पणियां होती रहती है, और चुनाव प्रचार के बाद मुझे लगता है टीका टिप्पणियों को भूल जाना चाहिए और जीत को एक आशीर्वाद के तौर पर स्वीकार करना चाहिए और हार के बाद उसका विश्लेषण करते हुए उससे सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो तीन राज्यों में जीती है, उसके लिए मैं उनकी तारीफ करूंगा, प्रशंसा करूंगा, उनको बधाई दूंगा। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में, जहां पर हम 26 सीटों पे पिछली बार थे, इस बार एकदम से एक बहुत अच्छी, एक कंफर्टेबल बहुमत लेकर के हम सरकार बनाने की स्थिति में आए हैं, तो निश्चित तौर पर वहां के कार्यकर्ताओं, वहां के नेताओं को भी बहुत बहुत बधाई देने की आवश्यकता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तेलंगाना जैसा स्टेट जिसको बनाने में आदरणीय सोनिया गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ी भूमिका थी, 2013 में जब लगभग बहुत सारे लोग इसके खिलाफ थे, तब जाकर के हमारी सरकार ने एक फैसला लिया था कि आंध्र प्रदेश का विभाजन होना चाहिए और तेलंगाना की मांग वर्षों पुरानी मांग है, इस मांग की पूर्ति करनी चाहिए। और इस मांग की पूर्ति करते हुए हमने आंध्र प्रदेश को अपने हाथ से खो दिया, जो आंध्र प्रदेश कांग्रेस का एक बड़ा स्ट्रांग होल्ड था, बावजूद इसके हमने जब खो दिया तो भी हम कोई बात नहीं, हमने तेलंगाना बनाया, उस तेलंगाना को, उस तेलंगाना के लोगों ने आखिरकार कांग्रेस को आज आशीर्वाद दिया, ने जो अच्छा काम किया उनकी भावना, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए, उसके लिए जो सम्मान दिया, उस सम्मान को हम स्वीकार करते हैं। है, आने वाले दिनों में तेलंगाना, गौरव भाटिया जी कुछ देर में, ठीक है संजय जी मैं लौट रही हूँ, गौरव भाटिया जी कुछ देर में जुड़ेंगे, क्योंकि अब बीजेपी मुख्यालय में बहुत हलचल है, पीएम वहां पर पहुंचने वाले हैं, मुझे लगता है कि तमाम प्रवक्ता नेता वहां पर बिजी हो गए हैं। लेकिन हमारे साथ वारिस पठान जुड़ गए हैं, जिनके बाद यहां पर बैठे मेहमानों से मैं प्रतिक्रिया लूंगी। वारिस पठान जी, 7 सीटें पिछली बार जीती थी और लगता है कि 7 पर ही, अभी 4 में तो आगे चल रहे हैं, 3 में और खबर आई है कि आप लोग आगे चल रहे हैं, यानी कुल मिलाकर जिस केसीआर के साथ आपने हाथ मिलाया, कल तक खूब उनकी बड़ाई कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, आज वो तो हवा में उड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको धरातल पे पहुंचा दिया है। अब हैदराबाद में जो ये ओवैसी का कायनात चलती है, चौक चौराहे पे जो एक से बढ़ के एक भाषण दिया जाता है, एसपी डीएम सब सुनते हैं उनकी ऊंची नीची, सब तो खत्म हो जाएगा साम्राज्य उनका। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद ही दूंगा, बधाई जो जो जीते उनको दिली बधाई, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, और जो हारे उनके लिए चुनाव हारे, हिम्मत हौसला नहीं आ रहा है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीते, आज हारे कल जीतेंगे। लेकिन मैंने तो आपको कल भी कहा था अंजना जी कि आप लिख लीजिए कलम कागज उठा के कि हम 7 सीटों पर जीत रहे, हम लड़े 9 सीट के ऊपर, 7 में जीते। हाँ, यकीनन बीआरएस पार्टी को थोड़ा झटका वहां पे पड़ा है, केसीआर साहब ने काफी मेहनत की 10 साल के अंदर, मगर जनता जनार्दन है, जनता ने जिसको पसंद किया, जनता ने जिसको वोट दिया, जिताया, तो उसकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं चुनाव को, तो अच्छी एक बात है।
अब देखिए, अब ये कांग्रेस वाले जो बैठे संजय भाई, उनको मैं बोलना चाहूंगा, आप ये बाजा बजाना हमारे खिलाफ छोड़ दीजिए, बी टीम सी टीम डी टीम का, क्योंकि आप देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ में नहीं लड़े आप हारे, राजस्थान में हम सिर्फ 8 सीट के ऊपर लड़े आप हार गए, मध्य प्रदेश के अंदर आप 3 सीट के ऊपर लड़े आप हार गए। तो अब ये बाजा बजाना छोड़ दिया और अब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए कि आपके पास राजनीतिक सलाहकारों की कमी है, आपके पास टांग खींचने वाले ज्यादा है, सलाह देने वाले कम है, तो उसके ऊपर आपको बात करना चाहिए, उस पर चर्चा करना चाहिए, नहीं कि बार बार इनकी वजह से जीत रहे इनकी वजह से जीत रहे, ये इनको बंद करना चाहिए। हाँ, यकीनन हमको और इंट्रोस्पेक्शन करना है, आगे मेहनत करेंगे, और अभी भी वक्त बाकी है अंजना जी, मैं 9 सीट का बोला हूँ, 7 तो जीत गए, 2 बाकी है, काउंटिंग जारी है, कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, अच्छा कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं, जनता का शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद, सलाह दे रहे हैं, थोड़ी सी सलाह आप ओवैसी साहब को भी दे दीजिए कि केसीआर का बाजा बजाना वो बंद करें, क्योंकि वहां पर बांसुरी फूंक फूंक के भी कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, हवा में वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सत्ता विरोधी लहर अगर वो 39 सीट्स पर, वहां पर बीजेपी ने भी 7 सीटों में गेन किया है, 8 पर पहुंचे हैं। जल्दी से चेतन भगत जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, ये मैंडेट क्या कह रहा है? तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने कहा था, पीएम ने कहा था कि कमल उम्मीदवार है, नो सीएम फेस, ये क्या बता रहा है? पीएम के फेस पर 24 के पहले बड़ी मुहर, ये 3 चीजें बता रहा है। एक तो ये कि पीएम मोदी से ज्यादा भरोसेमंद पॉलिटिकल ब्रांड देश में नहीं है, और अगर वो है स्पेशली नॉर्थ में, स्पेशली हिंदी भाषी जगहों पे, और बहुत ज्यादा बरकरार है, इतने सालों बाद भी बरकरार है। दूसरी बात ये बता रहा है कि कांग्रेस कई लेवल्स पे फेल हो रही है, बोलो या क्या बोले, अभी जो भी कह ले, हार रही है। पहली बात तो ना उनकी आइडियोलॉजी चल रही है, किसी को समझ नहीं आ रही मोहब्बत की दुकान में मिलता क्या है, और शॉपिंग कार्ट में क्या डालें, और क्या होम डिलीवरी है, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आइडियोलॉजी लोगों को, आई एम श्योर उसके पीछे इंटेंशन अच्छा है, विचार अच्छा है, लेकिन वो लोगों को समझ नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये, आइडियोलॉजी के अलावा एक गवर्नेंस होती है, ये जीते हुए प्रदेश हारे हैं, जीते हुए जब आप प्रदेश हारे हैं तो आपके पास आपका कैंपेन, आपकी नारेबाजी नहीं दिखती, मेरे ख्याल से आप 5 साल से बैठे हो, आपने क्या किया वो लोगों को दिखता है, और वो लोगों को जो बीजेपी है, जब वो आ जाती है सत्ता में तो वो कोशिश करती है बार बार आए, पीएम मोदी भी जब सीएम थे तो वो सीएम बार बार बने, फिर पीएम बनते ही जा रहे हैं, और अभी तीसरी बार भी बनेंगे, तो एक वो कांग्रेस नहीं कर पाती है। और तीसरी लेवल पे जो आखिरी मोमेंट पे जो स्लॉग ओवर्स जैसे क्रिकेट में कहते हैं, बूथ मैनेजमेंट वगैरह है, वो भी कांग्रेस नहीं कर पा रही है, बिकॉज कई चुनाव ऐसे थे जो एमपी वगैरह में तो सब कह रहे थे, बीजेपी वाले खुद कमजोरी विकेट पे लग रहे थे, पर वो उन्होंने टर्न अराउंड कर दिया, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गहराई से कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। और आखिरी चीज, ये इंडिया अलायंस क्या है? अब अंजना जी मेरे को एक बात बताओ, क्लास में जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं है, उनको अगर साथ बिठा दोगे तो क्या वो टॉप कर लेंगे एग्जाम? नहीं कर पाएंगे, नहीं, लेकिन अब जो क्षेत्रीय छत्रप उसमें है, ममता अपने गढ़ में मजबूत है, ममता पश्चिम बंगाल में बहुत मजबूत है, यहाँ पर नीतीश कुमार बिहार में बहुत मजबूत है, तेजस्वी यादव नीतीश का जो मुझे ये राष्ट्रीय चुनाव है ना मैम, रीजनल पार्टी का एक रीजन में बहुत मजबूती हो सकती है। अब आप राष्ट्रीय समूह बना रहे हो, आप कह रहे हो कि हम इंडिया अलायंस है, उसमें आपकी कांग्रेस पार्टी है जो इतनी बड़ी पार्टी है, और वो ऐसे जोरदार हार हुए जा रही है बिना सीएम कैंडिडेट के, बिना कोई चेहरे के वो, और 4 बार मध्य प्रदेश में 4थी बार वो जीत रहे हैं, मतलब ये ठीक है, तेलंगाना है, और तेलंगाना है, टीआरएस से उन्होंने बीआरएस कर दिया, बीजेपी ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से वो राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय राष्ट्रीय समिति बना रहे थे, तो क्योंकि उनको लगा इंडिया के मुकाबले मैं खड़ा हो जाऊंगा विपक्ष, खुश रहिए फिर तेलंगाना से, ये राष्ट्रीय सपना मत लो, हाँ तेलंगाना से खुश रहो। अब प्रदीप जी के पास जाते हैं, जो कि पूरा एकदम हेलमेट सब कुछ पहन के निकले थे मैदान में, होम पिच पर तो आपने जबरदस्त मारा है, तेलंगाना में भी स्पॉट ऑन हुए हैं आप, ससुराल वाला मामला आपका थोड़ा सब बिगड़ गया, अंजना जी और राजस्थान भी, अंजना जी राजस्थान छत्तीसगढ़ दोनों जगह पे आप देखेंगे कि हाँ हमने ये जरूर कहा था कि कांग्रेस को बढ़त है, लेकिन आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 46 सीटें दी थी, उसका क्या मतलब है कि सरकार बनाते नजर आ रहे हैं, और राजस्थान में 100 सीटें, 100 ही मेजॉरिटी मार्क चाहिए बीजेपी को दी थी, वहां भी सरकार बनाते। हाँ हम हाँ। ये जरूर कह सकते हैं कि जो एक्सेस माइंडिया जिसके लिए जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश और तेलंगाना में स्पॉट ऑन रिजल्ट है, वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं है।
बस इतना ही बोलिएगा नहीं अब कैसे अरे थोड़ा सा खुशी मना लीजिए मध्य प्रदेश का थोड़ा मुस्कुराइए ना नहीं ठीक है इतना क्या ग्लूम दिखाना आपने राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में ये सच है लेकिन ये भी मानना होगा स्वीकारना होगा कि दोनों मैंडेट्स क्लियर है वन साइडेड है जनता में कोई कंफ्यूजन नहीं था ना छत्तीसगढ़ में ना राजस्थान बिल्कुल सही उन्होंने क्लियर मैंडेट दिया बिल्कुल सही कह रही लेकिन आप खुश रहिए आपने दो टू मतलब टू आउट ऑफ फोर ऑल्सो प्रिडिक्ट करना टू स्टिक आउट योर नेक और प्रिडिक्ट करना नंबर्स बहुत आसान नहीं होता है मुश्किल काम होता है साइंटिफिक तरीके से आप करते हैं इसे बहुत बड़े सैंपल साइज के साथ करते हैं उस बात को श्रेय जरूर मिलना चाहिए। शशि शेखर जी एक कमेंट आपसे ये तीन राज्यों की जीत क्या बता रही है तेलंगाना की जीत क्या बता रही है मैं इसे थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करता हूं अंजना विंध्य के उस पार भाजपा जो ये सोच रही थी कि वो वहां पे कुछ ज्यादा कर लेंगे वो उन्हें करने में अभी समय लगेगा और विंध्य के उस पार का जो इलाका है वहां कांग्रेस और उसके सहयोगियों की स्वीकार्यता बढ़ रही है। दूसरा उससे एक बहुत साफ साफ दिखने लगा है ये जो तीन स्टेट थे या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने थी वहाँ उनकी लड़ाई बीआरएस से थी। बीआरएस एक क्षेत्रीय पार्टी है और वो क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस से हार गई। इसका एक संकेत ये भी निकलता है कि अब धीमे धीमे विचारधाराओं में बटकर दो दलीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। ये आज होगा कल होगा नहीं होगा लेकिन आज का संकेत यही है नहीं तो बीआरएस इस तरह नहीं हार सकती थी। तीसरी बात भारतीय एक सेकंड आपको टोक रही हूं सर योगी जी बोल रहे हैं आइए आपको सुना देते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। मैं गोरखपुर में सैजनवा में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वहां पे एक फ्लाईओवर बनाने की बात हुई है वो शायद किसी दूसरे मुद्दे पर बोल रहे हैं अगर इन राज्यों के नतीजों पर कुछ बोलेंगे तो हम आपको सुनाएंगे। बढ़ चढ़कर स्टार कैंपेनर के तौर पर उन्हें राजस्थान मध्य प्रदेश हर जगह उतारा गया था। राजस्थान में वो पता है क्या बोलते थे लोगों के बीच में जाकर मैं राम मंदिर का न्योता लेकर आया हूं आइए आप लोग अब अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो ये भी जो एक पिच बीजेपी का रहा है खासतौर पर राजस्थान में जल्दी से आप अपनी बात पूरी करें। हाँ तीसरी बात मैं ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी आजाद भारत के इतिहास में एक ऐसे नेता के तौर पर उभर चुके हैं जिसका समय के साथ जिसकी लोकप्रियता फेड आउट नहीं हुई है उनकी विश्वसनीयता कायम ही नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है। ये बहुत डेयरिंग काम था कि शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करके मोदी की गारंटी की बात की जाए लेकिन खिलाड़ी वही जो खतरों से खेले और तीनों स्टेट के इलेक्शन ने ये तय कर दिया। अगर ये चुनाव हार गए होते तो क्या होता आज हम कह रहे होते मोदी जी फेड आउट कर गए। तो मोदी जी ने खतरा उठाया लेकिन उनकी जीत के साथ साथ एक समन्वित तैयारी है इसमें कोई दो राय नहीं है। अमित शाह की रणनीति जेपी नड्डा की मेहनत और समूचा संगठन उनके साथ खड़ा रहता है। तो ये विजेताओं की जो खूबी होती है कि वो अपने साथ साथ टीम वर्क करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है। आज कांग्रेस के लिए बुरा दिन है इसलिए मैं उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ। मैं बस उनसे एक बात ये कहूंगा अब योगी जी जीत पे बोल रहे हैं थोड़ा सुन लेते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी बहुमत से इन राज्यों में भी सफलता प्राप्त हुई है कांग्रेस को जनता ने मात दी है ये चीजें दिखाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। आज के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सफलता तीनों राज्यों में प्राप्त हुई है इसके लिए मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन तीनों में जुड़े हुए जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी थे उन संबंधित राज्यों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। इन शानदार विजय के लिए संबंधित राज्यों के नेतृत्व को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। महाराज जी गए थे खूब प्रचार किया है उन्होंने अब स्टार कैंपेनर वो बन गए हैं बीजेपी के लिए। राजस्थान जो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात करें तो बड़ा राज्य उसके बाद मध्य प्रदेश हाँ लोकसभा सीटों के हिसाब से बात करें तब उत्तर प्रदेश जरूर सबसे बड़ा राज्य 2024 के लिए बन जाता है लेकिन हिंदी बेल्ट की जिसकी बात हो रही है ये दो बड़े राज्य छत्तीसगढ़ भी हिंदी बेल्ट में आएगा। इन राज्यों को अगर आप देखें तो इसे बड़ी जीत बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पर वो कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहते लेकिन विनोद जी क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए जहां पर चेतन इसे ले जा रहे हैं क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है
क्योंकि वहीं पर आप देखें तो जो क्षेत्रीय दल है वो अभी से ही बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, वो कहीं इस बात से खुश तो नहीं हो रहे कि कांग्रेस को अब वो समेटने में कामयाब होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बैठक इंडिया गठबंधन की पटना के बाद, कर्नाटक की जीत के बाद बेंगलुरु में हुई थी। कांग्रेस को सेटबैक क्या इन क्षेत्रीय दलों को खुश कर रहा है? वरना समाजवादी पार्टी की तरफ से आज कहा जा रहा है कि कमलनाथ अब जान गए अखिलेश कौन है, अखिलेश वखिलेश कर रहे थे। देखिए पहले तो मैं, आपने कहा था छत्तीसगढ़ में गुप्ता जी फिसल गए, तो ससुराल में अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं, इसलिए उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ससुराल तो ऐसी चीज ही होती है, सब फिसल जाते हैं। देखिए जो चेतन जी ने कहा बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन कई बार क्या होता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होता है। अगर कांग्रेस के साथ समस्या क्या है, कांग्रेस बहुत एक सफलता के बाद अहंकार में डूब जाती है। 2018 में कांग्रेस 3 राज्य जीती तो इतने अहंकार में आ गई, लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ गई मोदी जी के खिलाफ, और राहुल गांधी चौकीदार और चोर और राफेल सब नारे लगाने लगे और नतीजा सामने आ गया। इस बार भी उन्होंने बहुत शब्द बोले नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, जिनको दोहराया नहीं जा सकता। हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद फिर उसको अहंकार हो गया, और उस अहंकार में उसने जो एक शेप बनानी चाहिए थी इंडिया गठबंधन की मध्य प्रदेश में, भाई अखिलेश यादव को आप साथ लेते, कुछ और एक ज्वाइंट रैलीज होती, नीतीश कुमार को बुलाते, लालू जी को बुलाते, इनको बुलाते, तेजस्वी को, तो मैसेज जाता कि ये बड़े उससे जा रहे हैं, लेकिन उनका हम अकेले लड़ लेंगे, तो वो अहंकार अब टूट गया। तो ये शायद अब वो थोड़ा इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से वो जमीन पर बैठ के बात करेंगे कांग्रेस संजय जी को दिखाइए इस पर एक रिएक्शन। तो ये एक जो है जो उनके अहंकार की बात है, और दूसरा ये है कि जो सहयोगी दल है निश्चित रूप से उनका दबाव बढ़ेगा, खासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी जो है कांग्रेस को दबाव में लेंगे, महाराष्ट्र में संजय जी बैठे हुए हैं तो उनके एनसीपी और शिवसेना के उद्धव जी और शरद पवार, उनका दबाव बढ़ेगा, नीतीश जी लालू जी का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि अगर कांग्रेस तीनों राज्य जीत जाती तो फिर उसकी पोजीशन दूसरी होती। तो मुझे लगता है शायद अब ज्यादा बेहतर तरीके से कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन में वो कैसे व्यवहार करे और कैसे चले। ठीक है शशि जी जल्दी से एक लाइन का कमेंट। आपसे आखिरी बात कांग्रेस की, चूंकि मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, कांग्रेस को वापिस कुटैव से ऊपर आना पड़ेगा कि ठेके पे उठा दिया उन्होंने, कमलनाथ को ठेके पे उठा दिया, भूपेश गहलोत को ठेके पे उठा दिया, भूपेश बघेल को उठा दिया, और दोनों गांधी वहां जाए भाषण दे लौट आए, ये समय चला गया। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना सीखना होगा। जवाब इसका संजय जी जल्दी से, ठीक है प्रदीप जी का भी एक कमेंट एक ही साथ जवाब दे दीजिए। नहीं बस मैं ये कहना चाह रहा था कि कांग्रेस की दिक्कत ये है कि 2011 में उन्होंने असम में अपनी सरकार रिपीट की थी आखिरी बार, वो भी असम में, उसके बाद से अभी तक सरकार रिपीट नहीं की, और जब सरकार रिपीट नहीं होती है तो उसकी केवल एक और एक ही वजह होती है वहां का परफॉर्मेंस। यदि परफॉर्मेंस है तो आप रिपीट होते हैं, नहीं है तो बिल्कुल नहीं होते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। संजय जी तीनों की बातों का जवाब, अब मुझे पता है एहसास है इस बात का कि आप आज का दिन अच्छी खबर लेकर आपके लिए नहीं आया है, लेकिन ये बुरी खबर का संदेश 2024 तक भी जा सकता है, और सवाल गठबंधन पर पूरा उठाया जा रहा है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा भारत में, उसके बाद दूसरे नंबर पर एमपी आता है, लोकसभा सीटों के नजरिए से जरूर यूपी सबसे बड़ा है जहां 80 सीटें आती हैं। जल्दी से आपका कमेंट, तीनों बता रहे हैं कि जब जब कांग्रेस जीतती है अहंकार में, मतलब जहां पर वो परफॉर्म कर भी सकते हैं वहां पर भी वो सत्ता गवा देती है, इंडिया गठबंधन में भी यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीन बातें प्रमुख हैं इस बारे में। एक, पहली बात तो इंडिया गठबंधन की जो पूरी परिकल्पना है वो लोकसभा चुनावों को ध्यान में रख करके बनाई गई है। आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों ने मिलकर के ऐसा तय किया था, जो मुंबई में हमारी लास्ट मीटिंग हुई उस हिसाब से, कि लगभग 400-450 सीटें ऐसी होंगी जहां पर हमको बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट देना है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रोकना है। तो इस गठबंधन का विधानसभा चुनावों से कोई लेना देना नहीं था। तो विधानसभा चुनाव में हम किसी को बुलाएं, उनके साथ प्रचार करें या उनको अपने राज्यों की सीट दें बांटें, इस प्रकार की कोई सोच नहीं थी। इसलिए ये जो गलतफहमी पैदा हुई और इंडिया गठबंधन के कुछ साथियों ने टीका टिप्पणी की, मुझे लगता है कि वो बेमानी था। एक दूसरी बात, देखिए जब आप चुनाव जीतता है ना, कोई चीज जाता है तो कहते हैं कि जो सफलता के बहुत सारे बाप होते हैं,
जब चुनाव जीत जाते सब क्लेम करता, जब चुनाव हार जाते हैं ना तो तरह तरह की टिप्पणी होती है, और आज टिप्पणी होगी, उन तमाम टिप्पणियों को सुनने के लिए हम स्वीकार करेंगे। हम हारे हैं तो बताएंगे कांग्रेस ने ये गलती की, कांग्रेस ने वो गलती की, कांग्रेस ने ये गलती की, हमारी तमाम गलतियों के। सचिन तेंदुलकर जब रन सेंचुरी मार देते हैं तो सब जय जयकार करते हैं, जीरो पे आउट हो जाते हैं, जो कभी क्रिकेट नहीं खेलता वो भी खेलता है, अगर कहता है कि अगर सचिन तेंदुलकर ऐसे खेलता तो बच जाता, नहीं आउट होता। तो मैं तमाम आलोचनाओं को स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी हाल के दिनों में, खासकर कर्नाटक चुनाव के बाद से, चुनाव प्रचार के दरमियान चुनाव प्रचार बहुत अच्छे से करती है, बहुत आक्रामक चुनाव प्रचार होता है, उनका जो बूथ मैनेजमेंट होता है या जनसंपर्क होता है या फिर जो प्रचार तंत्र होता है वह सब एक बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज होता है, बहुत अच्छे से होता है। तो मैं ये नहीं स्वीकार कर सकता कि कांग्रेस पार्टी बहुत वो थी, आलस में थी, या फिर बहुत अच्छे से हम चुनाव प्रचार। पीएम की लोकप्रियता पर मुहर है कि नहीं है संजय जी? खड़गे जी हमारे कांग्रेस अध्यक्ष। संजय जी ये पीएम की लोकप्रियता पर मुहर है कि नहीं है? आता हूँ उस मुद्दे पे आता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे खड़गे जी का प्रचार जबरदस्त था, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सब लोग, और हमारे कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है सबने जाकर प्रचार किया, जो स्थानीय नेतृत्व था वो नेतृत्व भी बहुत अच्छे ढंग से प्रचार में शामिल हुआ था, तो कहीं कमी नहीं थी। ठीक है, जनता का फैसला है, स्वीकार करना। पीएम की लोकप्रियता, देखिए प्रधानमंत्री अब सीधे प्रचार मंत्री बनकर के उतर गए हैं तो हम और क्या कर सकते हैं? तो भाई ठीक है, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है तो उसको लोग ज्यादा सुनते हैं, उनके ऊपर ज्यादा विश्वास है आज लोगों को, तो इसलिए उनको ज्यादा वोट दे रहे हैं, उनकी बातों को मान रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में देश की राजनीति के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं हो राज्यों का। अगर बीजेपी राज्यों में जो स्थापित नेतृत्व है उनका, उस नेतृत्व को पूरी तरह से नकार करके सिर्फ मोदी जी के चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ रही है तो ये कब तक चलेगा, किस हद तक चलेगा? प्रचार कर देने से आपको लगता है जनता वोट दे देती है सर, परफॉर्मेंस नहीं देखती है? ठीक है संजय जी, एक काउंटर क्वेश्चन है। एक बात तो जो चेतन भी कह रहे हैं कि प्रचार आप भी कर सकते हैं और आपके नेता कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम बता देते हैं आपको किसने कितनी रैलियां की हर स्टेट में, लेकिन परफॉर्मेंस जनता नहीं देखती है क्या? प्रचार करने से जनता वोट दे देती है, परफॉर्मेंस देखती है, क्रेडिबिलिटी देखती है, भरोसा देखती है, मोदी की गारंटी है, पीएम कह रहे थे। होता है सामने वाले की परफॉर्मेंस, एक खुद की गलती है। मेरे को एक सच बात बताइए। अच्छा मैं सिंधिया जी को, एक सेकंड निरुपम जी, सिंधिया जी को सीएम बनाने का मौका था कि नहीं था? सचिन पायलट जी को सीएम बनाने का मौका था कि नहीं था? अशोक गहलोत जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बन जाते, आज ना प्रेसिडेंट है अब सीएम भी नहीं है, ये सब मौके थे और जनता की तरफ से एक आवाज भी उठी थी कि यंगर लीडरशिप चाहिए, और अगर वो बन जाती तो एक सिग्नल जाता, एक नैरेटिव जाता कि कांग्रेस कुछ यूथ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उस टाइम लगा अरे अब तो हम जीत गए हैं, अब तुम क्या जानो, जिन्होंने जिताया उन्हीं को, अब आगे का नहीं सोचा, अब वो 5 साल तो राज हो गया, ये सारी तो मिस्टेक्स। बोलिए सर। ठीक है, और कुछ ही क्षणों में पीएम भी आने वाले हैं, एक बार तस्वीरें वहां की दिखा देते हैं, अपनी बात पूरी कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं और माना जा रहा है आज की जीत का स्वाद अलग इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव। देखिए हमेशा कर्नाटक हिमाचल याद दिलाते हैं आप लोग संजय जी, लेकिन वहां पर सीएम फेस थे, बासवराज बोम्मई को ही आगे लेकर डबल इंजन की बात हो रही थी। हिमाचल में भी मौजूदा मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके खिलाफ कुछ बोला नहीं गया था, लेकिन पीएम ने इस बार स्पष्ट कर दिया था, अपनी रैलियों में कहा था कमल उम्मीदवार है, और ये लगभग तय माना जा रहा था जब मोदी के एमपी के मन में मोदी है कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान सीएम फेस नहीं है, ये मोदी के चेहरे पर लड़ा हुआ राज्यों का चुनाव की जीत है। संजय जी बात पूरी कीजिए। अच्छा चेतन जो सवाल उठा रहे हैं उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। आप जरा थोड़ा सा याद करिए, इस चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक चुनाव से पहले पंजाब का चुनाव हुआ था। पंजाब चुनाव के समय यही सुझाव आया था कि भाई कैप्टन साहब को बदल दीजिए तो हम चुनाव जीत जाएंगे, और कैप्टन साहब को बदल दिया, हम चन्नी साहब को लेके आ गए, फिर बुरी तरह से हार गए। तो क्या टीका टिप्पणी हुई कि कैप्टन को अगर नहीं बदलते तो बच जाते? ठीक उसी तरीके से जब इस बार यह विषय आया कि बघेल को बदलो या फिर अशोक गहलोत जी को बदलो, तो पंजाब उनको याद आ रहा था कि भाई ऐसा ना हो कि पंजाब जैसी कोई गलती हो जाए, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत सावधानी पूर्वक कदम उठाया और सोच समझ के यह फैसला किया कि भाई जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है उनको ही कंटिन्यू करने दीजिए, उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ने दीजिए। ठीक है, चुनाव के जो नतीजे आते हैं उसका एक कारण नहीं होता, कई कारण होता है, तो कई कारणों में से एक कारण यह हो सकता है जो चेतन कह रहे हैं कि हम यूथ चेहरे को आगे लाते, सिंधिया जैसे लोगों को व्यक्ति लेके आते या फिर सचिन पायलट को लेके आते, हो सकता है आपका ये आप
आपके इस पॉइंट में दम हो, लेकिन सिर्फ यही एक कारण चुनाव हारने का है, मैं नहीं मानता ऐसा। रह गई बात प्रधानमंत्री जी का, आप अंजना जी आप ये कहना चाहती हैं कि प्रधानमंत्री जी बहुत लोकप्रिय हैं, प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे देश के लोगों का बहुत बड़ा विश्वास है, तो मैं आपके इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता हूं। आज बीजेपी जीती है, आप सब हम सब खुश हैं, पूरा देश खुश है, तो इस खुशी में आप भी शामिल रहिए और इस खुशी को मैं भी तस्दीक देता हूं। अच्छी बात यह है, मुझे लग रहा है आपके पुराने दिन वापस तो नहीं आने वाले हैं, जिस तरह से एक वक्त पर तो आपकी जड़ें भी इसी संघ परिवार से जुड़ी हुई हैं, आज वो खुशी आपके चेहरे पर दिख रही है। मुझे नहीं पता आपकी पार्टी के लोगों को कितनी पसंद आएगी नहीं आएगी, लेकिन ये बात तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, वो एक ही लाइन कहते थे संजय जी, ये मोदी की गारंटी है, और तालियां गूंजती थी वहां पर। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही मुद्दा लीजिए सर, मुद्दा स्पेसिफिक बात करते हैं। सिंधिया साहब, वो उनकी नाराजगी, एकदम इतनी अच्छी जीत मिली, उनको कोई पद एमपी में नहीं दिया, कहा यूपी में जाइए और जहां पर कोई जनाधार नहीं था कांग्रेस का वहां पर आप काम कीजिए। उनको लगा कि उनको जो ड्यू मिलना चाहिए था तोहफा पिछली बार की मेहनत का, वो नहीं मिला, इसलिए वो बीजेपी में चले गए अपने विधायकों के साथ। आप लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, खोखा पैसा लालची आदमी, प्रियंका जी ने गद्दार तक कह दिया पूरे परिवार को, उनके कद पर मतलब फिजिकल हाइट पर टिप्पणी कर दी। और आज देखिए चंबल में 16 से 20 सीटें 34 में से, जो कि आप पिछली बार की परफॉर्मेंस बीजेपी की बहुत खराब थी, इस बार उधर चली गई है। क्या इस बात की तस्दीक नहीं करती है कि आप अपने नेताओं को जितना ड्यू यंग लीडर्स को मिलना चाहिए वो नहीं देते हैं? मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद नाटा व्यक्ति हूं, मैं क्यों बोलने जाऊं इस विषय में। लेकिन जो व्यक्ति पार्टी तोड़ देता है, अपने कुछ विधायकों के साथ विरोधी पक्ष के साथ हाथ मिला लेता है और चलती हुई सरकार को गिरा देता है, उसके लिए गद्दार से बढ़िया कोई संज्ञा नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है प्रियंका जी ने अगर उनको गद्दार कहा, मतलब उन्हें पार्टी के साथ धोखा दिया, और इस धोखे का जो एक्सप्रेशन था उसमें कोई दोष या कमी नहीं है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर सिंधिया जी को भी बहुत ज्यादा एतराज नहीं करना चाहिए, आपको तो कतई नहीं करना चाहिए, यह एक प्रकार का एक्सप्रेशन है, जैसा कर्म उसके ऊपर उस प्रकार की टिप्पणी थी। अब रही बात मेरे ऊपर, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ ये कहा। जयवीर शेरगिल जी आपके पुराने साथी जुड़ गए हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। एक वक्त पे लोग कहते कि दो कांग्रेस के चेहरे, अब आप देखिए बीजेपी में आ गए हैं और जयवीर शेरगिल जमकर मोर्चा संभालते हैं, बैटिंग के लिए पिच पर उतरते हैं भारतीय जनता पार्टी के। जयवीर शेरगिल, आज एक ऐसे दिन आप बैठ रहे हैं आज तक पर, जिस दिन बहुत अच्छी जीत, मतलब मध्य प्रदेश की जीत तो प्रचंड है, वैसे ही राजस्थान में देखिए तो लगभग डबल का आंकड़ा, 68 पर कांग्रेस अटक गई है, 116 पर बीजेपी पहुंच गई है, 36 और 54 छत्तीसगढ़ में है, 36 का आंकड़ा हो गया है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। सबसे पहले तो क्योंकि बोलते बोलते मुझे स्ट्राइक किया, जयवीर शेरगिल जी बड़ी जीत, प्रधानमंत्री के चेहरे पर यह चुनाव तीनों राज्यों में लड़ा गया, ढोल और लड्डू का जश्न भाजपा के खेमे पे पूरी तरह छाया हुआ है। ये जीत क्यों हुई है? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री की विकास और विश्वास वाली राजनीति ने कांग्रेस की तुष्टिकरण तो नहीं है, म्यूट नकारात्मक राजनीति और जो मतदाताओं को धोखा देने वाली राजनीति है उसके पीछे उसको पूरी तरह नकार दिया है। तीसरी बात, आज एक बहुत बड़ा संदेश गया है, मतदाताओं ने संदेश दिया है 2024 के लिए भी, ये दिल मांगे मोर मोदी सरकार वंस मोर। जादूकर जो जादू कांग्रेस के थे वो राजस्थान से छू मंतर हो गए, भाजपा ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के एटीएम को ताला लगा दिया, और मध्य प्रदेश में लाडली बहनों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। पर देखिए कांग्रेस 2022 में 7 में से 6 चुनाव हारी, आज फिर से जो शून्य रेट था 50 2018 का भाजपा का, वो आज भाजपा 3 पे आ गई है, तो आप देख सकती हैं 2024 की तस्वीर क्या होने वाली है। 2024 की कांग्रेस की तस्वीर, उस पर जल्दी से एक कमेंट चेतन भगत आपसे, छोटा छोटा कमेंट यहां पर लेते हैं फिर उसके बाद से चलेंगे राजनीतिक मेहमानों के पास। चेतन, वन नेशन वन इलेक्शन इतना बुरा आइडिया नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन बुरा आइडिया नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 5 स्टेट्स तो एक साथ करा नहीं पा रहा, पता तो लग गया क्या होना है, पता नहीं लग गया अभी क्या होना है, क्या होना है। पहले था कि उनका जीतना लाइकली है, मतलब नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे, अब तो निश्चित है, निश्चित ही हो गया ना। अब आई होप कांग्रेस का मोराल हो और ये इंडिया अलायंस, ये सारे बच्चे बैठ के मतलब मिलके पेपर देना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं, पर आज जो उनके अलायंस का सबसे स्ट्रांग बच्चा है उसके नंबर कम आए हैं,
कौन सा वो बच्चा है किसके मतलब कांग्रेस अगर इंडिया अलायंस अगर सारे स्टूडेंट्स मिलके पेपर देंगे कि भाई हम अपने सबसे अच्छे नंबर लाएंगे तो आज एक उनका इतना मतलब इम्पोर्टेंट पोर्शन में नियरली फेल हो गया है तो अभी क्या होगा और सिर्फ 5 महीने है पता है अंजना जी अगर ये होता ना कि अभी भी 1 साल है 2 साल है 5 महीने तो कुछ भी नहीं होता है 5 महीने तो अभी एटलीस्ट संजय जी एक्सेप्ट कर रहे थे अभी तो देखना डिनायल आएंगे ब्लेम आएंगे अहंकार की जो बात हो रही है अभी तेलंगाना को में ही खुश हो जाएंगे तो आई थिंक आई डोंट नो एक बड़े दुख की बात है क्योंकि इतनी अच्छी एक देश जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई वो पार्टी की आज ये हालत है मुझे ये बताइए कि एटलीस्ट बीजेपी ने ये बोला कि ना खाऊंगा जब करप्शन इतना बड़ा मुद्दा हुआ था तो बोला कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा चौकीदार ही चौकीदार हूं मैं कुछ तो बोला कांग्रेस ने एक बार भी बोला जो उस टाइम के स्कैम्स हुए अभी क्या नैरेटिव होगा क्या करप्शन पे स्टैंड होगा कैसे मैनेज होगा हर जगह करप्शन के एलिगेशन लगते हैं पता नहीं कितने सच्चा है कितने झूठा मैं नहीं कह रहा कि कुछ हुआ कि नहीं पर अभी भी मैंने आज ट्विटर पे भी मैंने पूछा लोगों से कि क्या लगता है कांग्रेस क्यों हारी वो कहते हैं जहां जाते हैं वहां करप्शन के एलिगेशन लग जाते हैं तो उसके बारे में क्या सिस्टम है कांग्रेस का कि करप्शन ना हो ये सारी चीजें जब तक आप नहीं करोगे तो जीते हुए स्टेट हार रहे हो बिल्कुल अगर आप लोगों के भी कोई सवाल हो गैस से तो आप लोग इशारा कीजिएगा सवाल पूछ लेंगे संजय जी देखिए जब बीजेपी चुनावी मैदान में कर्नाटक और हिमाचल की हार के बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान के लिए उतरी तो खुद गृह मंत्री अमित शाह इंचार्ज बने एमपी छत्तीसगढ़ के आप सोचिए और उसके बाद से जेपी नड्डा को राजस्थान का इंचार्ज बनाया फिर जो उन्होंने एक 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 प्लेयर को मैदान में उतारा आप लोग बोले केंद्रीय मंत्री को उतार दिया सांसदों को उतार पर ये बहुत सोची समझी अमित शाह की राजनीति थी रणनीति थी उनको पता था कि इससे 2018 में जो वसुंधरा शिवराज और रमन सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हमने फेस किया उसको हम डिफ्यूज कर सकते हैं ये सब विनिंग मास्टर स्ट्रोक्स होते हैं जिस लोग जिन बातों पर आप घेर रहे थे आप खुद ही कल्पना कीजिए ना कि अमित शाह खुद इंचार्ज बने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के और जेपी नड्डा को अध्यक्ष को कहा कि आप इंचार्ज होंगे राजस्थान के क्या ये बहुत मतलब जुझारू तरीके से पार्टी लड़ती है और आप कहते हैं प्रचार मंत्री अरे एडमिनिस्ट्रेशन विश्वसनीयता ये सब देख के ही तो जनता किसी पर भरोसा करती है ना वरना बहुत सारी स्कीम्स तो गहलोत साहब ने भी उतारी थी कमलनाथ जी भी 5 गारंटी दे रहे थे और बघेल साहब भी दे रहे थे संजय जी मेरा आपसे एक सवाल ये है ऐसा नहीं है कि कांग्रेस भी कुछ काम करती ही होगी क्या आपके यहाँ कम्युनिकेशन की इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आप लोगों को कभी कोई कमी महसूस होती है ऐसा है कांग्रेस पार्टी पिछले 10 वर्षों से चुनाव लड़ रही है 2014 के बाद से जो चुनाव का दौर शुरू हुआ है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का एक नया प्रबंधन सामने रखा है और भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक तरीके से बहुत बुनियादी तरीके से और बहुत ही एक बारीक तरीके से चुनाव लड़ती है इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं तो उसको समझते समझते हमको भी थोड़ा वक्त लगा लेकिन हाल के वर्षों में पिछले 2-3 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव प्रबंधन बहुत बेहतर किया कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है पार्टी में एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी आप कह लें बहुत अच्छे ढंग से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं बहुत अच्छे ढंग से हमारा जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का काम बहुत अच्छा है हमारा आईटी डिपार्टमेंट का काम अच्छा है जो लीडरशिप के अंदर एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन होना चाहिए बहुत अच्छा है स्टेट लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप का कम्युनिकेशन होता वो भी बहुत अच्छा है इन सब बातों का कोई इतना बड़ा इन सब बातों का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है हाँ आपने कहा कि गृह मंत्री मध्य प्रदेश के प्रभारी बन गए और नड्डा जी वहां के प्रभारी बन गए हमारे यहाँ भी जो सीनियर लीडर्स है उनको अलग अलग स्टेट के प्रभारी के तौर पर इंचार्ज के तौर पर भेजा जाता है और वो एकदम जमीन पे उतर के उसी स्टेट के कैपिटल में बैठ के उसके अलग अलग जिलों में जाकर के प्रचार का पूरा कामकाज अपने सर पे लेते हैं अपने कंधे पे लेते हैं कि वो दोनों पक्ष को जानते हैं तो ये सारा प्रयास को ये एडवांटेज है पंजाब में उन्होंने आपके चुनाव को भी देखा है जहां पर कांग्रेस को शिकस्त मिली और अब वो बीजेपी का भी काम देख रहे हैं जयवीर कांग्रेस पार्टी के एक प्रबल प्रवक्ता भी रहे बोलिए जयवीर जी अंजना जी आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने दोनों खेमों की वर्किंग स्टाइल को देखा है देखिए दोनों में बहुत अहम फर्क है भारतीय जनता पार्टी को हारी हुई बाजी भी जीतना आता है और कांग्रेस पार्टी को जीती हुई बाजी भी हारना आता है राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश और राजस्थान और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक सेकंड सर अशोक गहलोत अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। अशोक गहलोत के पूरे अगर आप रिजीम को देखें तो अशोक गहलोत अगर इस बार फिर से सत्ता में आते तो फिर वो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाते, क्योंकि अभी तक चार कुर्सी ने उनको छोड़ दिया। कहते थे ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती है, मैं क्या करूं। सचिन पायलट को लेकर जब भी मुद्दा सामने आता था कहते थे ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती है। सोचिए अध्यक्ष पद तक उन्होंने ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए कि कहीं सचिन पायलट को राजस्थान की कुर्सी ना मिल जाए। लेकिन अगर आप देखें तो पूरे राजस्थान में अब तक 16 मुख्यमंत्री हुए हैं, जिसमें वसुंधरा राजे 10 साल रही हैं, इससे पहले शेखावत साहब बीजेपी की तरफ से 10 साल रहे हैं, और जो पहले मुख्यमंत्री रहे थे वो लगभग 4 रेजिम रहे थे, मोहनलाल सुखाड़िया। अगर उनके आप वही रिकॉर्ड पे पहुंच जाते गहलोत, क्योंकि 3 बार वो भी रह चुके हैं और उसको पूरा करके 4थी बार वो शुरू कर देते, लेकिन ऐसा सुखाड़िया साहब वाला रिकॉर्ड वो तोड़ नहीं पा रहे हैं, अपना इस्तीफा सौंपते हुए नजर आ रहे हैं, और ये सत्ता परिवर्तन है। लेकिन जयवीर जी, आज ये भी पूछा जाएगा कि आपकी मल्टी स्टारर फिल्म में सबसे बड़ा एक्टर किसको घोषित किया जाएगा, सबसे बड़ा स्टार कौन होगा, सीएम कौन बनेगा, राजस्थान हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो। अंजना जी, पिक्चर भाजपा की सुपर हिट हुई है, ब्लॉक बस्टर हुई है, थिएटर चकाचक भरे हुए हैं, मतदाताओं ने चकाचक तालियां भी बजाई हैं, पर जो मैन ऑफ द मैच जो अवार्ड है, देखिए ये कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये खबर कल के लिए या परसों के लिए अंजना जी के शो पे जरूर इस पे चर्चा होगी। आज लड्डू खाने का दिन है, जश्न मनाने का दिन है, और जैसे आपने पूछा, देखिए भाजपा और कांग्रेस का अंतर भी पूछा, अंतर इसमें भी बहुत बड़ा है। कांग्रेस में चुनाव शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पद पे लड़ाई शुरू हो जाती है, कैबिनेट मंत्री कौन बनेगा, कौन किसके सेक्रेटरी पीए के साथ सेटिंग करेगा, वो शुरू हो जाता है। भाजपा में सहमति के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज चौहान, वही वसुंधरा जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी भाजपा के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी एक सब एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं एक मकसद से, राज्य जीतना चाहिए, विकास होना चाहिए, भाजपा का परचम लहराता रहना चाहिए। और देखिए अंजना जी, एक बहुत बड़ा अंतर होता है, भाजपा जमीन पे चुनाव लड़ती है, कांग्रेस ट्विटर पे चुनाव लड़ती है, भाजपा वोटर का विश्वास जीतने में टाइम लगाती है, कांग्रेस टीवी एंकर को गाली निकाल दो, देश को बुरा भला कह दो, सनातन को खत्म करने की गुहार लगा दो, चाइना को ऊपर कर दो, जॉर्ज सोरस को अंदर ले आओ, आज दोगुलापन राजनीति, जब धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल करो, इसमें टाइम व्यर्थ करती। यही कारण है 55 में से 50 चुनाव 2014 से कांग्रेस पार्टी हारी है, 468 नेता कांग्रेस को छोड़ के चले गए, जिसमें से 177 एमपी एमएलए थे, 2022 में से 7 में से 6 चुनाव हार गई है। अब पहले तो खड़गे जी, अब राहुल जी रिजाइन करें, खड़गे जी क्या कांग्रेस में जवाबदेही और जिम्मेदारी होगी, उसका कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, पर भारतीय जनता पार्टी ने की लास्ट माइल डिलीवरी ने कांग्रेस की डायलॉग डिलीवरी को हरा दिया है, ये स्पष्ट है। ठीक है, चलिए, जो भी सबक हो एक ऐसे व्यक्ति पर जिसने कांग्रेस बीजेपी दोनों को देखा है, बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने कलराज मिश्र राज्यपाल राजस्थान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जैसा मैं आपको पहले बता रही थी, सुखाड़िया साहब 17 साल मुख्यमंत्री रहे थे, दोबारा चुने थे तो गहलोत एक बड़ा रिकॉर्ड बना सकते थे, लेकिन वो हार गए हैं राजस्थान। फिर से कौन बनेगा वहां सीएम, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन वसुंधरा हो या फिर भैरव सिंह शेखावत, दोनों 10-10 साल वहां सीएम रह चुके हैं, कोई नया चेहरा मुहर लग सकता है, गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर ओम बिरला, बहुत सारे नाम हैं जो फिलहाल वहां पर लिए जा रहे हैं, दिया सिंह, राज्यवर्धन राठौर, बाबा बालकनाथ जो इस बार तिजारा सीट से है, और बहुत बड़ी जीत, और बार बार पूछते थे इंडिया पाकिस्तान मैच देखा नहीं देखा। लेकिन ये तस्वीरें हैं बीजेपी दफ्तर दिल्ली की, जहां पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार।